नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किए जाने से मेडिकल की पढ़ाई करने गए शहर के कई युवक और युवतियों के वहां पर फंस जाने से उनके परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और भारत सरकार से बच्चों को भारत बुलाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। फरीदाबाद के सुनील, जिनका बेटा रूस मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गया है, ऐसे बिगड़े हुए हालात को देखते हुए उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा रूस में पढ़ाई करने के लिए गया है, लेकिन वहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए उन्हें काफी चिंता होने लगी है और डर लगा रहता है कि उनके बेटे को कुछ ना हो जाए। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उनके बेटे को भारत लाने की कोशिश की जाए। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ओलियान की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरा बड़ा लड़का है जी, वो पढ़ रहा है बाहर, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, MBBS, और उसका लास्ट ईयर है आपके। कल से जब मैंने युद्ध के हालात देखे और टीवी में समाचारों में देखा तो मुझे भी बड़ा भय हुआ और मैंने अपने बच्चे को भी कांटेक्ट किया फिर, और उससे कहा भाई जैसा भी हो तू अपना वापस आ जा और बाद में देखेंगे जैसा भी कुछ होगा। बाकी मेरी भारत देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और अपने जो स्थानीय नेता हैं कृष्णपाल गुर्जर जी व अपने मूलचंद शर्मा जी, इन सभी से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों की सहकुशल वापस बुलाने के लिए सरकार इनका कोई इंतजाम करे जिससे सारे बच्चे वापस आ जाएं और युद्ध के हालात ठीक हो जाएं, फिर हम वापस भी भेज देंगे। क्या नाम है लड़के का आपका? लड़के का नाम मोहित है जी। कब गया था ये? इसको अब लास्ट ईयर है इसका। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।